क्या शंकर सिंह वाघेला एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए, लेकिन दो राजनीतिक प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी के ऐसे रहे जिनके प्रति उनका रुख नरम रहा, एक केशुभाई पटेल और दूसरे शंकर सिंह वाघेला। शंकर सिंह वाघेला की नरेंद्र मोदी से पहली बार मुलाकात कब हुई? ये आरएसएस प्रचारक सादगी कहनी करनी कथनी करनी, आसमान जमीन का फर्क। आप और नरेंद्र भाई कुछ आपस में कान में बात कर रहे हैं और बड़ा जोर का ठहाका लगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्या बात हुई थी? अगर पब्लिकली कहनी होती तो पब्लिकली कहते ना, और कान में कही इसका मतलब कि इसको कान में ही रखना है। हमसे गुजरात के दर्शकों ने कहा, शंकर सिंह वाघेला से जरूर पूछिएगा, आज तक कोई भी आरएसएस की इतनी बड़ी, बीजेपी की इतनी बड़ी बैकग्राउंड के साथ कांग्रेस में इतना ऊपर नहीं पहुंचा है जैसे शंकर सिंह वाघेला पहुंचे। कैसे उन्होंने मैनेज किया? क्या दिल्ली में जाके वही तकलीफ है? मैं जो है ना, मैं मैनेज के खिलाफ। बापू ने 2017 में अपने बेटे को बीजेपी से नहीं लड़ने दिया, जबकि अमित शाह का यही आश्वासन था राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस छोड़ने के बाद। देखिए, इतना अच्छा है कि ओबीडियन पुत्र है। शंकर सिंह वाघेला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन रात को खोला जाता है क्या बीजेपी की बिना परवानगी? आपकी बात मुलाकात हुई खूब उनसे? किससे? मुरारजी भाई से। मुरारजी भाई के पास मैं जब मिला दिवाली के दिनों में, प्रधानमंत्री के हिसाब से पीला अपने ग्लास में से निकाल कर मेरे को दिया, तो मेरे को ये याद आया कि शायद ये तो नहीं दिया, दूध है कि पेशाब है। तो फिर दूध ही था। नहीं, तो आपने प्रधानमंत्री से पूछा कि नहीं? पूछा कि आपने दूध दिया? इन्होंने पहले पिया, फिर हमने पिया कि ये पेशाब नहीं होगा, हुआ तो हमारे सामने नहीं पीते कम से कम। मैं एक क्षत्रिय हूँ, मेरा वोट शंकर सिंह वाघेला को जाएगा, बोलिए। और नशे में थे, गिलास था हाथ में। पर यहाँ तो शराबबंदी है ना गुजरात में? एमएलए पीते थे, मैं बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। लोकसभा में इनर लॉबी में आडवाणी जी आए मेरे पास, बोला मैं एक यात्रा करना चाहता हूँ, किसी को बताना मत, सोमनाथ से अयोध्या तक का। गुजरात की यात्रा में तो नरेंद्र मोदी थे? नहीं थे, उनकी तस्वीरें दिखती हैं रथ पर साथ में। गलत बात है, गलत 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 गलत, झूठ 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 झूठ। तीन चार था प्रमोद महाजन, इनको तय करना कहाँ जाना, कैसे जाना, क्या करना। और इनका ड्राइवर मुसलमान था, अयोध्या यात्रा वाला प्रमोद महाजन की ट्रक चलाता था वो मुसलमान। बाद में गया देखने के लिए, लेकिन पहले नहीं गया मैं। सरकारी गेस्ट हाउस कमरा नंबर 1170, कमरे के भीतर शंकर सिंह वाघेला और अटल बिहारी वाजपेयी। कहाँ? क्या बात हुई थी अहमदाबाद? नहीं नहीं, ये एक गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास। सही बता दीजिए, आप रोए थे कमरे में? नहीं, कुछ पता नहीं कौन इनको। शंकर सिंह वाघेला ने तीन शर्तें रखी। हाँ। केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री के पद से हटाइए। हाँ। नरेंद्र मोदी को गुजरात से हटाइए। बिल्कुल। और मंत्रिमंडल में मेरे लोगों को शामिल करिए। क्या बोले उसमें सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष? वाघेला हो, फाघेला हो, ऐसा कुछ। तो मैंने बोला केसरी हो, ठेसरी हो, ऐसा पूरा हो गया। कई पॉलिटिकल कमेंटेटर कहते हैं कि अगर शंकर सिंह वाघेला तब कांग्रेस के साथ बने रहते तो जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ था 2017 में बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, वो शायद अपने मकाम तक पहुंच जाता। सही बात, मैं इसमें सहमत हूँ। ये ऑन रिकॉर्ड है, सीबीआई वालों ने कहा कि हमारे पास आपके पास से कुछ नहीं निकला, ये फाइल कभी बंद नहीं होती है, परमानेंट बंद करवाने। तो आप दिल्ली बात करें, बोला मर जाएंगे, फिर मना ही कहेंगे। आपकी अमित शाह से बात नहीं हुई? नहीं। रामनाथ कोविंद के पक्ष में वोट डाला था आपने राष्ट्रपति के चुनाव में? नहीं। आपके बयान छपे? नहीं, बयान क्या छपे? क्यों 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 सरकार नहीं बननी थी कांग्रेस की इतने साल तक? 12 में बन सकती थी, 17 में बन सकती थी, क्यों नहीं बनी? दिल्ली में बैठ के सब पॉलिटिक्स के किसके बीच मैच फिक्सिंग थी? नाम लीजिए। पुलवामा में आप क्या कह रहे हैं? पुलवामा में तो आतंकवादी हमला हुआ था, अक्षरधाम में। और आतंकवादी कहाँ का आतंकवादी? ये जो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, आईएसआई की परमिशन लेकर करवाई गई। कौन मरे, कहाँ मरे? ये जनरल बिपिन रावत क्यों मारा गया हेलीकॉप्टर में? बिल्कुल बिल्कुल एकदम प्रोटेक्शन वाला हेलीकॉप्टर, कभी नहीं टूटता, गिरे या तोप लगाओ तो भी क्यों क्यों टूटा? देश के पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सीडीएस की मृत्यु के पीछे साजिश है। कांग्रेस में मैं जाऊँ ना जाऊँ, फॉर मी इज नो प्रॉब्लम, इज नॉट इश्यू। तो जा रहे हैं? मेरी इज नॉट इश्यू एट ऑल। या वेट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर से आपको फोन करेंगे?